हेलो फ्रेंड, वेलकम टू स्टडी न्यूज। आज हम इस वीडियो में पर्यावरणविद सुंदरलाल बहुगुड़ा जी के बारे में जानेंगे। सो लेट अस स्टार्ट। इनका जन्म 9 जनवरी 1927 में उत्तराखंड के मरोड़ा नामक स्थान पर हुआ था। 1949 में सुंदरलाल जी मीराबेन व ठक्कर बप्पा के संपर्क में आए, जिसके बाद इन्होंने दलित वर्ग के उत्थान के लिए कई प्रयास कार्य किए। इन्होंने दलित वर्ग के बच्चों के लिए ठक्कर बप्पा हॉस्टल की स्थापना की। दलितों को मंदिर प्रवेश का अधिकार दिलाने के लिए इन्होंने आंदोलन किए। इन्होंने अपनी पत्नी श्रीमती विमला नौटियाल के सहयोग से पर्वतीय नवजीवन मंडल की स्थापना भी की। 1971 में शराब की दुकानों को खोलने से रोकने के लिए सुंदरलाल जी ने 16 दिन तक अनशन किया और चिपको आंदोलन के कारण ये विश्व भर में वृक्ष मित्र के नाम से प्रसिद्ध हुए। अब जानते हैं चिपको आंदोलन के बारे में। चिपको आंदोलन एक पर्यावरण रक्षा का आंदोलन था। यह भारत के उत्तराखंड राज्य, जो उस समय उत्तर प्रदेश का भाग था, के किसानों ने वृक्षों की कटाई का विरोध करने के लिए किया था। वे राज्यों के ठेकेदारों द्वारा वनों की कटाई का विरोध कर रहे थे। यह आंदोलन उत्तर प्रदेश के चमोली जिले में 1973 में शुरू हुआ था। धीरे धीरे यह आंदोलन पूरे क्षेत्र में फैल गया। इस आंदोलन की विशेष बात यह थी कि इसमें महिलाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया था और पूरी तरह से सहयोग किया। इसकी शुरुआत प्रसिद्ध पर्यावरणविद सुंदरलाल बहुगुड़ा, गोविंद सिंह रावत, चंडी प्रसाद भट्ट और श्रीमती गोरा देवी जी के नेतृत्व में हुई थी। अब जानते हैं चिपको आंदोलन के प्रभाव के बारे में। इस आंदोलन का प्रभाव इतना पड़ा कि इसने केंद्रीय राजनीति के एजेंडे में पर्यावरण को एक महत्वपूर्ण मुद्दा बना दिया था। चिपको आंदोलन के सहभागी और कुमायूं विश्वविद्यालय के प्रोफेसर डॉक्टर शेखर पाठक के अनुसार भारत में 1980 का वन संरक्षण अधिनियम और यहाँ तक कि केंद्र सरकार में पर्यावरण मंत्रालय का गठन भी चिपको आंदोलन की वजह से संभव हो पाया। सुंदरलाल बहुगुड़ा के अनुसार पेड़ काटने से ज़्यादा जरूरी है पेड़ लगाना। सुंदरलाल जी के कार्यों से प्रभावित होकर उन्हें 1980 में फ्रेंड्स ऑफ नेचर ऑफ अमेरिकी संस्थान द्वारा सम्मानित भी किया गया था। इसके अलावा भी इन्हें कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। पर्यावरण को स्थायी संपत्ति मानने वाले बहुगुड़ा जी को पर्यावरण गांधी के नाम से भी जाना जाता है। इन्हें 1981 में स्टॉकहोम का वैकल्पिक नोबेल पुरस्कार मिला है और पद्मश्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था, जिसे इन्होंने यह कहकर स्वीकार नहीं किया कि जब तक पेड़ों की कटाई जारी है मैं स्वयं को इस सम्मान के योग्य नहीं समझता हूँ। और भी इन्हें कई पुरस्कार मिले हैं, जैसे जमनलाल बजाज पुरस्कार, शेर ए कश्मीर, सरस्वती सम्मान, गांधी सेवा सम्मान और पद्म विभूषण। हाल ही में इनकी मृत्यु कोविड-19 की वजह से 21 मई 2021 को ऋषिकेश में हुई है, जो हमारे देश के लिए काफ़ी दुखद क्षति है। तो ये थी सुंदरलाल बहुगुड़ा जी से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ।